कुरुक्षेत्र में हरियाणा स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय 3 दिवसीय कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता का शुभारंभ महंत राजेंद्र पुरी ने किया। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से सैकड़ों प्रतिभागी अलग अलग उम्र और वजन ग्रुप के पहुंचे हैं। इस मौके पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे महंत राजेंद्र पुरी ने प्रतिभागियों में जोश भरा और उन्हें खेल, अनुशासन और युवा अवस्था के बारे में अपने अनुभव बताए। उन्होंने युवा प्रतिभागियों को जीवन में कभी नशा ना करने और राष्ट्र को समर्पित होकर खेलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण करने की शपथ दिलाई। महंत पुरी ने प्रतिभागियों से भारत माता की जय के नारे लगवाए। वहीं महंत के अभिनंदन में युवा प्रतिभागियों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। पत्रकारों से बातचीत में महंत राजेंद्र पुरी ने कहा कि खेल ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो बाल्यकाल से न केवल एक विद्यार्थी को अच्छा लक्ष्य दिखा सकता है बल्कि राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम का सशक्त माध्यम है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को राष्ट्र की मजबूत नींव बताया और प्रतिभागी छात्र छात्राओं को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बधाइयां दी। इस मौके पर आयोजकों ने महंत राजेंद्र पुरी और पूर्व पुलिस अधिकारी शीतल सिंह धारीवाल को सम्मानित किया। स्टेट कराटे चैंपियन एसोसिएशन 23 और 24 की ये संपन्न हुई है और इस कराटे से मैं यही कहूँगा कि जो महंत श्री राजेंद्र पुरी महाराज ने संदेश दिया है कि नशा मुक्ति के लिए बच्चों को खासकर इस खेल से जोड़ना, नशा मुक्ति से हटाना एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि जब एक बच्चा अपनी ताकत को, अपने मंथन को किसी दूसरे कार्य में लगा देगा और उसमें अगर फोर्स यूज होती हो तो वास्तव में उसकी प्रवृत्तियों को चेंज करने का कार्य करेंगे। और मैं यही कहूँगा कि जैसे महाराज जी ने इनको आशीर्वाद दिया है, मेरा भी इनको जितने भी टीचर गंत हैं यहाँ पर, ये कराटे जो सिखाते हैं उनको सहयोग का आशीर्वाद सदा से मैं उनके साथ रहूँगा, देता रहूँगा। धन्यवाद।